आदाब। हेलो फ्रेंड्स, आज हम तैयार कर रहे हैं मसालेदार पुलाव, जो कि सर्दियों में बहुत अच्छा लगेगा। सर्दियों में बहुत अच्छी वेजिटेबल्स आती हैं और बहुत फ्रेश, बहुत ताज़ी, बहुत जल्दी गल जाती हैं। तो बढ़िया सा मसालेदार पुलाव हम आपको उन्हीं सब्जियों से बनाकर दिखाते हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो आखिर तक देखिएगा। और अपने आप में ये कम्प्लीट डिश है, क्योंकि इसमें आपको वेजिटेबल्स भी हैं, प्रोटीन भी आपको मिल रहा है, कार्ब्स भी मिल रहा है। फन रेसिपी है और जिसमें आपको सब कुछ मिल जा रहा है कम्प्लीट न्यूट्रिशन के साथ। चलिए फटाफट मैं दिखा देती हूँ कि मसालेदार पुलाव मैंने किस तरह से तैयार किया है। देखो, यहाँ पे हमने यूटेंसिल रख दिया है, उसमें सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे। एक प्याज हमने ले लिया है, उसको हमने डाल दिया है तेल में, उसको लाइट ब्राउन करेंगे हम। प्याज हल्की गुलाबी हो चुकी है, इसमें हम कुछ खड़े मसाले डालेंगे। तो इस तरह से हमने खड़े मसाले लिए, दो बड़ी इलायची, चार छोटी इलायची, काली मिर्च है और दालचीनी का टुकड़ा है। इसको मिक्स कर देते हैं, क्योंकि प्याज हो गई लाल, ज्यादा हमें इसको करना नहीं है। तो इसमें हम एक आलू बड़ा सा मैंने डाल दिया, इसको भी मिक्स कर लेते हैं। कुछ साथ में हम काजू ले लेते हैं, ये भी डाल देते हैं, साथ में भून जाएंगे। आप चाहें तो ऊपर से डाल सकते हैं, भून के निकाल लें, ऊपर से डाल दें, हमने इसको साथ में ही पकाना है। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसको भी 1 मिनट कुक कर लेते हैं। थोड़ा सा भी हम 1-2 चम्मच पानी डालेंगे। अब 1-2 मिनट हम इसको छोड़ देते हैं और कुक होने देते हैं। अब हमने ये कुछ मिक्स वेजिटेबल्स लिए हैं, जिसमें हमने गाजर, बीन्स, मटर लिया है, ये डाल देंगे। आप चाहें तो इसको सिर्फ आलू में भी बना सकते हैं, ये बहुत सारे वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। कुछ गोभी ले लिया है, इसको हम डाल देते हैं। सारा हमारा फ्रोजन है, क्योंकि हम फ्रीज करके रखते हैं फ्रिज में, तो हमने वही इस्तेमाल किया है ताकि 1 हफ्ता चल जाए। तो उसको अच्छे से मिला देते हैं। अब इसमें कुछ मसाले हैं, 1 टीस्पून लाल मिर्च है, 3-4 टीस्पून हल्दी है, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, नमक जायके के हिसाब से 1 चम्मच से ज़्यादा, ये 1 टेबल स्पून के आसपास है, गर्म मसाला 1 टीस्पून। सारे मसाले डाल दिए हैं, अच्छे से मिक्सिंग कर दीजिए इसको भी। अगर आपको ये देखना है कि हम इसको सब्जियों को कैसे फ्रीज करके रखते हैं, कैसे फ्रोजन वेजिटेबल्स की तरह इसको रखा जाता है, तो आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में, तो उसका भी हम वीडियो बना के डाल देंगे। उसे बहुत आसानी रहती है, कटी हुई मिल जाती है, काटना नहीं पड़ता, टाइम पे धुली हुई है, कटी हुई है, फटाफट कोई भी सब्जी या पुलाव इस तरह से बन जाता है। तो 2-3 मिनट्स को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। अभी 5 हमने हरी मिर्च लिए, जिनको बीच में से हमने चीर लिया है, डाल देते हैं। 2 हमने टमाटर लिए हैं, इनको हमने टुकड़ों में काट लिया है, ये भी डाल देते हैं और एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें पानी खत्म हो गया है और हमें सब्जियों को गलाना है। टमाटर तो पानी छोड़ेगा ही, लेकिन थोड़ा सा डाल देते हैं, क्योंकि आलू है, बाकी चीज़ें हैं, उनको गलाना है हमें। तो अंदाजे से आप 3/4 कप या 1 कप डाल दीजिए और उसको छोड़ देते हैं हम अभी लो फ्लेम पे ढककर। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि सब्जियों में कितनी गलावट हुई है। देखिए, लगभग पानी भी खत्म हो गया है और आलू को ही देखना जरूरी है, बाकी तो सब्जियाँ गली जाती हैं। आलू गल गया है अच्छे से। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा दही डाल देते हैं, लगभग 100 ग्राम हमने इसमें दही डाला है, और एक बार हल्के हाथों से हम मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्सिंग हो गई है, साथ में थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना हम डाल देते हैं अभी। अब साथ में हम इसमें चावल डालते हैं, हम इसको बासमती चावल में बना रहे हैं। आप इसको चाहे सेला में बना लें, जो रेगुलर चावल आप घर में यूज करते हैं उससे भी आप इसको बना सकते हैं। और इसको अब लाइट हाथों से मिक्स कर देंगे। तो इसकी मिक्सिंग हो चुकी है, हमने 2.5 कप चावल लिए थे, तो उसका हम डबल पानी डालेंगे, यानी कि 5 कप, और हल्के हाथ से उसको दोबारा से एक बार स्टर कर देंगे। ऐसे बीच में करके आप बस इस तरह से हिला दीजिए, इस तरह से हमने कर दिया है। अब एक बार इसका नमक चख लेते हैं पानी का। इस वक्त हमें थोड़ा सा तेज लगना चाहिए, क्योंकि जब पानी सूखेगा चावल का नमक जो है बैलेंस हो जाएगा। नमक हमें थोड़ा सा कम लगा, तो इसमें हम डाल देते हैं। अब इसको हम रख देते हैं पानी सूखने के लिए, लेकिन अभी खुला ही पकाएंगे, जब थोड़ा पानी सूखेगा तब इसको हम ढकेंगे। अब आप देखें कि पानी जो है सूख गया है, अब थोड़ा सा रह गया है, चावल आपको दिखने लगा। जब चावल आपको दिखने लगे, इस स्टेज पे आपको हल्का कर देना है और ढक देना है। चावल को ज्यादा चलाना नहीं है, बस इसी में हो जाएगा। 10 से 12 मिनट हम इसको ढक के ऐसे ही छोड़ देते हैं। देख लेते हैं, 15 मिनट बाद हम इसको हम खोल लेते हैं। देखिए, इस तरह से खोलेंगे हल्के हल्के हाथों से। अब देख सकते हैं कि कितना खिला खिला चावल बना है, एक एक दाना आपको अलग दिख ही रहा होगा, मैं आपको पास से दिखाती हूँ, एक एक दाना बिल्कुल खिला खिला है। तो यहाँ मैं आपको निकाल कर दिखा देती हूँ, पहले ऐसे इस तरह से हल्के हल्के हाथ से आपको इस तरह से खोलना है। आप चाहें तो ऊपर से इसमें, और टेस्ट के लिए आप इसमें घी डाल सकते हैं। कितना खिला खिला चावल तैयार हुआ है। तो इस तरह से आप सर्व करें मसालेदार पुलाव को, रायते के साथ, कुछ प्याज की सलाद के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। इसमें हमने लाल मिर्च और चाट मसाला और थोड़ा सा नींबू और काला नमक डाला है, इसमें बहुत अच्छी लगती है, आप इसको जरूर बनाइएगा। तो बताइएगा, फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा, हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहता है। इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अजीजों के साथ। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे 98,000+ सब्सक्राइबर हो चुके हैं और 1 लाख होने में कुछ ही सब्सक्राइबर्स बाकी हैं, तो आप इस रेसिपी को शेयर करेंगे तो मेरे सब्सक्राइबर की फॉलोइंग बढ़ेगी और मैं 1 लाख तक पहुंचूंगी और मुझे सिल्वर प्ले बटन मिलेगा। और मुझे बहुत ही खुशी होगी कि आज हमारे जो इतनी मेहनत करते हैं इसको वीडियोस बनाने में, उसका हमें आज रिजल्ट मिला, जब मुझे सिल्वर प्ले बटन मिलेगा। तो हमारी कोशिश में थोड़ा सा हमारी मदद करें आप, और इस रेसिपी को जरूर शेयर करिए ताकि हमारे फॉलोअर्स बढ़ें। चलिए, अगली बार मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। देखते रहिए शैलाज दस्तरखान।